गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रिगरिंग और टर्न ऑन मैथड ऑफ FSCR. ओके, सो ट्रिगरिंग मैथड को हम लोग कभी कभी टर्न ऑन मैथड भी बोलते हैं. तो वट इज़ ट्रिगरिंग? द टर्निंग ऑन प्रोसेस ऑफ FSCR इज नोन एज ट्रिगरिंग. मीन्स ट्रिगरिंग करने का मीन्स ट्रिगरिंग मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग FSCR को टर्न ऑन करते हैं उसी को हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं? ट्रिगरिंग. और हम लोग एक अदर वर्ड्स पे भी इसको बोल सकते हैं, टर्निंग द FSCR फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू कंडक्शन स्टेट. सो बेसिकली इस आज हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग जो FSCR है उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट पे ले जाते हैं. तो सिंपली उसी प्रोसेस को हम लोग टर्निंग ऑन प्रोसेस और ट्रिगरिंग बोलते हैं. ठीक है, द वेरियस मैथड ऑफ FSCR ट्रिगरिंग आर डिस्कस बिलो. ठीक है, बहुत सारे मैथड्स होते हैं. बेसिकली हम लोग 5 मैथड्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. सेकेंड वन इज़ थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग. थर्ड वन इज़ रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग. एंड द फोर्थ वन इज़ डीवी अपॉन डीटी ट्रिगरिंग. एंड द लास्ट वन इज़ गेट ट्रिगरिंग. ठीक है, तो इतने सारे मैथड्स हम लोग वन बाई वन देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मैथड देखते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. ठीक है, नाम क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. इट मीन्स इस केस में हम लोग एक एडिशनल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे बिटवीन एनोड एंड कैथोड. ठीक है, मीन्स एनोड को मोर पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. बेसिकली ये क्या मेरा फॉरवर्ड बाइस है. ठीक है, इस पे गेट मेरा ओपन है. इट मीन्स जो मेरा थायरिस्टर का 3 मोड ऑफ ऑपरेशन था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. ठीक है, तो ये जो केस है वो मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का. ठीक है, हमको इस मोड से इस मोड पे ले जाना है थायरिस्टर को. ठीक है, तो यहाँ पे देखें, व्हेन द एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड ए वी ए के, जंक्शन J1 एंड J3 इज फॉरवर्ड बाइस एंड जंक्शन J2 इज रिवर्स बाइस. ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव करते हैं और कैथोड को नेगेटिव करते हैं. ठीक है, जिस पे जंक्शन J1 और J3 मेरा फॉरवर्ड बाइस रहता है, J2 मेरा रिवर्स बाइस रहता है. ठीक है, इसके चलते क्या होता है कि कोई करंट मेरा फ्लो नहीं करता है, कि ये डिप्लीशन रीज़न होता है ना, ये जंक्शन J2 ये रिवर्स बाइस, तो इसका डिप्लीशन रीज़न हाई होगा. तो इसके चलते यहाँ से कोई करंट मेरा फ्लो नहीं करता एनोड टू करंट. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो वोल्टेज हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मींस एक सर्टेन वोल्टेज आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज. अगर यहाँ तक रीच कर जाता है मेरा वी ए के, तो क्या होता है कि जंक्शन जे टू है वो एवलांची ब्रेक डाउन में चला जाता है. ठीक है, और वहाँ से फिर करंट मेरा फ्लो करना शुरू कर जाता है. ठीक है, जब और इस केस में मेरा गेट ओपन है, लेकिन फिर भी मेरा जो है वो FSCR मेरा ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ शो किया गया है. ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ शो किया गया है, ये मेरा फॉरवर्ड, ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ है और ये मेरा करंट का. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज में जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक सर्टेन वोल्टेज गिवेन है वी बी ओ ब्रेक ओवर वोल्टेज. ठीक है, जैसे ही इस वोल्टेज तक पहुँचेगा मेरा ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज जैसे ही पहुंचेगा, तो जो मेरा जे टू जंक्शन था वो मेरा जो रिवर्स बाइस पे था वो मेरा एवलांची ब्रेक डाउन होगा और फिर मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरा FSCR ऑन स्टेट पे आ जाएगा इवन अप्लाइंग ऑफ गेट टर्मिनल. ठीक है, गेट टर्मिनल हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई भी नहीं किए, फिर भी मेरा FSCR टर्न ऑन हो गया. ठीक है, इस केस में क्या हो गया कि जो मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आ गया. ठीक है, तो सेकंड वन देखते हैं क्या है मेरा, थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग. ठीक है, थर्मल क्या होता है, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ FSCR डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन जंक्शन टेम्परेचर. इट मीन्स जो मेरा जंक्शन टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, तो जो विड्थ होगा डिप्लीशन लेयर का वो मेरा डिक्रीज करेगा, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, देयर फॉर इन FSCR वी ए आर, जब रिवर्स वोल्टेज जो मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है, जो मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर आ जाता है वी ए आर, तो डिवाइस जो होता है वो ट्रिगर कर जाता है बाय इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर. जैसे जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो ट्रिगर कर जाता है. बाय इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर द रिवर्स बाइस जंक्शन कोलैप्स एंड दस द डिवाइस स्टार्ट टू करेक्ट. अब जैसे ही हम लोग जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और तो रिवर्स बाइस जंक्शन जो होता है वो कोलैप्स करता है और डिवाइस मेरा स्टार्ट कर जाता है कंडक्शन. इट मीन्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से वो कंडक्टिंग मोड पर आ जाता है. ठीक है,
थर्ड वन क्या है, रेडिएशन ट्रिगरिंग और लाइट ट्रिगरिंग, ठीक है. एंड SCR टर्न ऑन बाई लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड एज लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR, ठीक है. इट मीन्स ऐसा SCR जो लाइट से, लाइट के रेडिएशन से टर्न ऑन होता है, उस तरह के SCR को हम लोग क्या बोलते हैं, LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR, ठीक है. हैंस लाइट ट्रिगरिंग इज नोन एज रेडिएशन ट्रिगरिंग. जो लाइट ट्रिगरिंग होता है उसको हम लोग रेडिएशन ट्रिगरिंग भी बोलते हैं, ठीक है. जनरली दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग इज अप्लाइड इन फेज कंट्रोल कन्वर्टर एंड HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है. ये जो मतलब ट्रिगरिंग है वो बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स में और HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम्स में यूज़ होता है, ठीक है. इस मेथड में क्या होता है, लाइट रे विथ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी आर अलाउड टू स्ट्राइक द जंक्शन J2, ठीक है. यहाँ पे मेरा जो जंक्शन J2 रहता है वो मेरा रिवर्स बाइस पे रहता है, तो इस पे क्या होता है, लाइट मेरा अप्लाई करते हैं, ठीक है. एक एप्रोप्रिएट वेवलेंथ और इंटेंसिटी के साथ लाइट मेरा स्ट्राइक करता है, ठीक है. अब इस पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स एटम्स बने होते हैं, जैसे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक हाई स्पीड से, मान लीजिए कि ये एटम्स है, हाई स्पीड से स्ट्राइक किया, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का पेयर. इसी तरह सेवरल बहुत सारे स्ट्राइक्स होते हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है. तब क्या होता है, उस जंक्शन में बहुत सारा ही इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके चलते मेरा फर्दर जो SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है. इन दिस मैथड लाइट रे विथ अप्रोप्रिएट वेव लेंथ एंड इंटेंसिटी आर अलाउड टू स्ट्राइक द जंक्शन J2, ठीक है. द बम्बार्डेड एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स काउजेस टू, देखिए लाइट में मेरा न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है, वो क्या करता है, वो ब्रेक करता है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को, एज अ रिजल्ट न्यू EH पेयर और इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म्ड हो जाता है डिवाइस में, ठीक है. ये चीज़ क्लियर है. एज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेज देयर इज इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ करेंट काउजिंग SCR टू टर्न ऑन, ठीक है. जैसे चार्ज कैरियर इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा इन जो इंक्रीज होगा फ्लो ऑफ करंट पे, जिसके चलते मेरा SCR टर्न ऑन होता है, ठीक है. अब देखिए एक नोट करके लिखा है, मीन्स जो मेरा सक्सेसफुली टर्न ऑन करने के लिए, लाइट से सक्सेसफुली टर्न ऑन करने के लिए SCR को, SCR में जो DV/DT चेंज होता है वो मेरा हाई होना चाहिए, ठीक है. मीन्स वोल्टेज का जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो बहुत ही हाई होना चाहिए, तब जाके ही सक्सेसफुली टर्न ऑन होता है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है इसका, जो मेरा लाइट एक्टिवेटेड SCR होता है वो एक सर्कल राउंड में मीन्स ग्लास पे कवर होता है, जिसपे मतलब स्ट्राइक करता है मेरा लाइट और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक है. तो ये मेरा हो गया डायग्राम ऑफ लाइट एक्टिवेटेड SCR, ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे क्या है, DV/DT ट्रिगरिंग. सो व्हेन द डिवाइस इज़ फॉरवर्ड बाइस, जब डिवाइस मेरा फॉरवर्ड बाइस रहता है तो जंक्शन J1 और J3 मेरा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस, और J2 मेरा रिवर्स बाइस होता है, ठीक है. तो अब जो जंक्शन J2 होता है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है. क्यों करता है, क्योंकि देखिए ठीक है, ये मेरा हो गया SCR का डायग्राम, ठीक है. ये SCR का डायग्राम हो गया, ये एनोड कैथोड और ये क्या होता है गेट, ठीक है. अब जंक्शन J1, जब हम लोग एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव करते हैं तो जंक्शन J1 फॉरवर्ड बाइस और J2 मेरा J3 फॉरवर्ड बाइस, और जो J2 होता है वो मेरा रिवर्स बाइस होता है, ठीक है. तो रिवर्स बाइस होता है तो यहाँ एक डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है. यहाँ डिप्लीशन लेयर होता है जो कि थोड़ा उसका विड्थ मेरा ज़्यादा होता है. अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, एन है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, स्टोर्ड होता है. तो अब क्या होता है कि मेरा कैपेसिटेंस का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मीन्स दोनों चार्ज, दोनों साइड मेरा एक चार्ज स्टोर्ड हो और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो. तो जो मेरा जंक्शन कैपेसिटेंस है, यहाँ पर डायलैक्ट्रिक मीडियम मेरा क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर, और इधर साइड मेरा चार्ज स्टोर्ड है. तो इसलिए जो जंक्शन J2 है वो मेरा बिहेव करता है एज अ कैपेसिटर,
ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज एग्जिस्टिंग अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस मेरा चार्ज स्टोर है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। कैपेसिटर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, तो इसी तरह मेरा जंक्शन जे टू है, ठीक है, जंक्शन जे टू भी मेरा इसी तरह का है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक बिहेव करता है जंक्शन कैपेसिटेंस की तरह। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, अगर हम वोल्टेज जो डिवाइस पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको वी मान लें, और जो चार्ज मेरा है उसको क्यू मान लें, और कैपेसिटेंस को सी मान लें, तो आई सी क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, और आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू की जगह पे जस्ट पुट कर दिए सी वी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू सी डी सी अपॉन डी सी, ठीक है, क्या होगा, वी डी सी अपॉन डी टी, तो ये हो गया। ठीक है, एज हम लोग जानते हैं कि ये जो सी है वो मेरा कॉन्स्टेंट है, तो जिसके चलते ये मेरा जीरो टर्म हो जाएगा, तो ओवरऑल जो मेरा आई सी आएगा वो क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू डी सॉरी सी डॉट सी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा आई सी मिल गया हमको, तो इस केस पे जो हमको एस सी आर को टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है, ये जो रेट होता है ना वोल्टेज का रेट जो होता है चेंज रेट, वो मेरा बहुत ही हाई होना चाहिए। ठीक है, देयर फॉर वेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम्स लार्ज द डिवाइस में टर्न ऑन। ठीक है, वोल्ट अगर मान लीजिए कि जो हम लोग सप्लाई वोल्ट दे रहे हैं, अगर वो मेरा अगर लेस है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वो जो मेरा वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो ज़्यादा होगा तो मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा, तो उसी को हम लोग डी वी अपॉन डी टी ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वन देखेंगे, गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज एस सी आर ट्रिगरिंग मैथड, सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग मेथड यूज़ होने वाला। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग एस सी आर को फॉरवर्ड वाइज करते हैं बाय गिविंग एनोड को पॉजिटिव देते हैं और कैथोड को नेगेटिव देते हैं, और एक सिंपली गेट को पॉजिटिव अगर गेट हम अप्लाई करेंगे तो मेरा जो एस सी आर होता है वो ईजिली टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट वाइडली यूज जो एस सी आर होता है वो मैथड जो होता है टर्निंग ऑन मैथड, वो क्या होता है बेसिकली गेट ट्रिगरिंग मैथड। ठीक है, बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन गेट एंड कैथोड। ठीक है, गेट और कैथोड के बीच में अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो टर्न ऑन हो जाता है मेरा फॉरवर्ड बाइज थायरिस्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये मेरा एस सी आर हो गया। ठीक है, ये एनोड टर्मिनल और ये कैथोड टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर एनोड मेरा पॉजिटिव और ये इस तरह से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, और गेट पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, चार्ज इंजेक्ट करता है पी लेयर पे। ठीक है, देखिए चार्ज कैरियर आर इंजेक्टेड इन द पी लेयर, देयर बाय रिड्यूसिंग द डिप्लीशन लेयर थिकनेस। इसलिए यहाँ जो डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस होता है जंक्शन जे टू पे वो मेरा रिड्यूस हो जाता है। एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होता है तो कैरियर इंजेक्शन इंक्रीज। अब कैरियर जो इंजेक्शन होता है, मीन्स जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये इंजेक्ट कर रहा है वो मेरा हाई हो जाता है, जिसके चलते जो ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO होता है वो मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स उसको क्रॉस करता है और मेरा एस सी आर सिंपली क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब हम लोग जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस सी आर देखे थे उस पर ये शो किया गया था कि जैसे जैसे मेरा गेट का वोल्टेज हम इंक्रीज करते जाएंगे तो गेट करंट इंक्रीज करते जाएगा, और गेट करंट इंक्रीज करते हुए मीन्स मेरा एस सी आर ईजिली टर्न हो जाएगा, फास्ट टर्न ऑन हो, मीन्स IG को हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो एस सी आर मेरा फास्ट टर्न ऑन होगा, तुरंत टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, IG1 इज लेस देन IG2 इज लेस देन IG3। ठीक है, आप इंक्रीज ये जो ग्राफ बनाया पहले IG1 का है, फिर IG2 का, फिर IG3 का, फिर ये देखिए जब मेरा IG1 बहुत कम था, ठीक है, IG हम जीरो ले रहे थे तो मेरा टर्न ऑन ऐसे हो रहा था SCR। ठीक है, देखिए IC0 मीन्स जो मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग था IC0। ठीक है, IG0 जब था तो ये मेरा ब्रेक ओवर वोल्टेज जैसे पहुंच रहा था टर्न ऑन हो रहा था। ठीक है, जैसे हम IG अप्लाई किए तो टर्न ऑन टाइम मेरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर जैसे हम IG को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टर्न ऑन टाइम मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स फास्ट
फास्टली जो टर्न ऑन मैथड होता है वो मेरा गेट ट्रिगरिंग मैथड होता है, ठीक है। सो अब देखिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर यूज फॉर गेट ट्रिगरिंग। अब गेट ट्रिगरिंग के लिए भी तीन सिग्नल्स यूज होता है जो हम लोग बेसिकली अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो क्या, डीसी गेट ट्रिगरिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट को पॉजिटिव कर रहे हैं और कैथोड को नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और डीसी वोल्टेज इज प्रॉपर पोलैरिटी इज अप्लाइड गेट बिटवीन गेट एंड कैथोड। गेट और कैथोड के बीच में एक पॉजिटिव प्रॉपरली एक पोलैरिटी अप्लाई करेंगे, गेट टर्मिनल को पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस गेट रिक्वायर्ड करेंट। जैसे ही मान लीजिए जो भी हम अप्लाइड वोल्टेज है वो सफिशियंट होगा गेट करेंट के लिए, तो क्या होगा, डिवाइस स्टार्ट कर जाएगा कंडक्टिंग के लिए। अब इस डिवाइस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि बोथ पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे जो पावर सर्किट हम लोग जो डीसी पावर सर्किट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कंट्रोल सर्किट है, दोनों मेरा एक ही जगह होता, कोई आइसोलेशन नहीं होता उसके बीच में, ठीक है। और अनदर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि कंटिन्यूस डीसी सिग्नल्स यहाँ पर अप्लाई होता है। देखिए जो डीसी सिग्नल है वो तो कंटिन्यूस है, अब कंटिन्यूस है तो क्या होता है, यहाँ पे पावर लॉसेस भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डीसी ट्रिगरिंग, डीसी गेट ट्रिगरिंग, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं एसी गेट ट्रिगरिंग। जब मेरा एसी गेट ट्रिगरिंग होगा तो क्या होगा, तो ये जो मेथड होता है कॉमनली यूज मेथड है टर्न ऑन ऑफ एसीआर, ठीक है। हम लोग इसको बेसिकली एसीआर को टर्न ऑन करने के लिए बहुत ही कॉमनली मेथड है, इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्पेशली इन एसी एप्लीकेशन। जहाँ पे भी एसी हमको इन एसी एप्लीकेशन यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग एसी गेट ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हियर एसी सोर्स इज़ यूज फॉर द गेट सिग्नल। यहाँ पे हम लोग कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, एसी सोर्स, ठीक है। सो दिस स्कीम प्रोवाइड प्रॉपर आइसोलेशन बिटवीन पावर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। जो डीसी गेट ट्रिगरिंग था उस पर आइसोलेशन नहीं था पावर और कंट्रोल सर्किट पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हाउएवर ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल इज अवेलेबल फॉर द गेट ड्राइव टू कंट्रोल द फायरिंग एंगल एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स वाइज इज अप्लाइड बिटवीन द गेट टू द कैथोड, ठीक है। अब एसी का क्या, एक एसी क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा हमको पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करना है गेट पे, ठीक है। हमको पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करना है गेट पे, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ हाफ साइकिल तक ही मेरा ये वर्क करेगा, सेकंड हाफ साइकिल में गेट मेरा रिवर्स बाइस पे चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसी हाफ साइकिल पे ही मेरा जो एससीआर है वो टर्न ऑन होगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एसी ट्रिगरिंग एंड द अदर इज नीड टू सेपरेट स्टेप डाउन एंड पल्स ट्रांसफार्मर टू सप्लाई द वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पल्स ट्रांसफार्मर यूज़ के जो मेरा सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉपरली मेरा प्रोवाइड करता है आइसोलेशन बिटवीन पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बीच में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एसी ट्रिगरिंग सर्किट, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है, ठीक है, थर्ड वन क्या है, पल्स गेट ट्रिगरिंग, ठीक है। पल्स गेट ट्रिगरिंग क्या होता है, इस मेथड में हम लोग गेट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सिंगल पल्स अपेयरिंग पीरियोडिकली सीक्वेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पल्स। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट को ट्रिगर करने के लिए। तो इसको हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी गेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पल्स ट्रांसफार्मर यूज़ होता है आइसोलेशन के लिए। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ अप्लाइंग कंटिन्यूस सिग्नल सो गेट लॉसेस आर रिड्यूस। यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं होता है कंटिन्यूसली सिग्नल को अप्लाई करने के लिए, इसलिए इस पर जो गेट का लॉस होता है वो मेरा रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पल्स ट्रिगरिंग, सो पल्स ट्रेन ट्रिगरिंग का क्या एडवांटेज है, लो गेट डिसिपेशन एट हाई गेट करंट, ठीक है। गेट का लो डिसिपेशन होता है, ठीक है, हाई गेट करंट पे भी लो डिसिपेशन होता है। स्मॉल गेट आइसोलेशन पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो आइसोलेटिंग जो पावर पल्स ट्रांसफार्मर है वो मेरा स्मॉल होता है। लो डिसिपेशन इन रिवर्स बाइस कंडीशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। रिवर्स बाइस कंडीशन में लो डिसिपेशन पॉसिबल है, सो सिंपल ट्रिगर सर्किट आर पॉसिबल इन सम केसेस। सो सिंपली हम लोग इस पर सिंपल ट्रिगर्स ये सर्किट यूज़ करते हैं एसीआर को टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, व्हेन द फास्ट ट्रिगर पल्स फेल टू द ट्रिगर ऑफ द एसीआर द फॉलोइंग पल्स कैन सक्सीड इन लैचिंग एसीआर द
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कि जो पहला पल्स अगर वो मेरा SCR को टर्न ऑन करने के लिए सफिशियंट नहीं है, फेल हो जाता है, तो फिर उस तरह कंटिन्यूसली बहुत सारे पल्स आते हैं, तो नेक्स्ट पल्स पे वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ट्रिगरिंग इंडक्टिव सर्किट एंड सर्किट हैविंग बैक EMS, ठीक है। इस पर जो ट्रिगरिंग होता है वो एक इंडक्टिव सर्किट होता है, तो इस पर एक सर्किट में एक बैक EMF होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा एडवांटेज हो गया पल्स ट्रेन ट्रिगरिंग का। सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR, कैसे हम लोग SCR को टर्न ऑन करते हैं।